एक अप्रैल अर्थात अप्रैल फूल के तौर पर लोग एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। यह केवल हंसी मजाक का चलन है, किंतु जिस तरह की परिस्थिति देश में निर्माण हुई है उसे देखते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने नागरिकों से अपील की है कि कोई भी इस दिन किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाए, अन्यथा साइबर क्राइम के तहत उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। आज 31 मार्च और कल 1 अप्रैल, यानी अप्रैल फुल। इस अप्रैल फुल के दिन सभी लोग अपने दोस्तों को, अपने सहकारियों के साथ अलग अलग मैसेजेस, अलग अलग व्हाट्सएप भेज के हंसी मजाक करते हैं। लेकिन आपको पता है कि आज पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारत देश कोरोना से जूझ रहा है। ऐसे वक्त कोई गलत मैसेजेस या कोई गलत व्हाट्सएप जिससे माहौल खराब हो या कुछ अफवाह ना फैलाए और सरकार को सहकार्य करे। जो कोई इस प्रकार की अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा और वातावरण खराब करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर साइबर क्राइम के तहत हम कार्रवाई करेंगे। करके आप सभी को दरखास्त है कि प्लीज सरकार को कोऑपरेट करें। धन्यवाद। बता दें कि कुछ दिनों पहले एक झूठा ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसके आरोपियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई की गई। ऐसी नौबत फिर ना आए, इसलिए कोई भी किसी भी तरह की झूठी अफवाह, कोरोना संबंधित या हंसी मजाक के मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर न करें और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।